पूर्व रॉ चीफ एस दुल्लत के बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विदेश और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी यशवंत जी आप खुद उस टाइम बहुत नज़दीकी से चीज़ों को देख रहे थे तमाम तो जो कांधार का कांड हुआ था हाईजैकिंग हुई थी जो उस टाइम चीज़ें डेवलप हुई थी आप भी इन्वॉल्व थे उसमें कोर टीम का हिस्सा थे वाजपेयी की तो दुल्लत ने जो आरोप लगाए हैं जो सवाल खड़े किए हैं कितना इतफाक रखते हैं कि गुप्प हुआ था उस टाइम देखिए ऐसा है कि एक तो मैं पहले स्पष्ट कर दूँ कि कोर टीम नहीं है सी सी एस की टीम से कुछ सुरक्षा मामलों की जो मंत्रिपरिषद की समिति है उसके पांच सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री को लेकर उसका मैं वित्त मंत्री की हैसियत से या विदेश मंत्री की हैसियत से पूरे समय मैं उसका सदस्य रहा इसलिए जो भी घटना चक्र उस समय घटा उसका मैं अधिकतर चश्मदीद गवाह हूँ अब आपने कंधार की बात की मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक होके काठमांडू से ले जाया गया तो देश में एक हाहाकार समझा वो प्लेन थोड़ी देर के लिए अमृतसर में रुका करीब 45 50 मिनट के लिए और फिर उसके बाद कंधार चला गया तो हाहाकार किस बात को लेकर था हाहाकार इस बात को लेकर था कि जाने नहीं जानी चाहिए और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री के निवास के बाहर सुबह शाम दिन भर वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशंस होते रहते थे नारेबाजी होती रहती थी और लोग यही कहते थे कुछ भी करो लेकिन जो हॉस्टेजेस हैं उनकी जान बचाओ पूरे देश से एक ही आवाज़ आ रही थी लोगों की जान बचाओ प्रक्रिया क्या थी फैसला करने की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में बातें आती थी हम लोग विपक्षी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में थे उनसे बातचीत होती रहती थी और जब कंदहार से प्लेन हाईजैक हो काठमांडू से चला तो जैसा आप जानते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो अमृतसर में रुका अब अमृतसर में रुका दुलत जी ने अपनी किताब में कहा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जिसके अध्यक्ष होते थे कैबिनेट सेक्रेटरी उस ग्रुप की मीटिंग हो रही थी लेकिन उस मीटिंग में इतना टाइम लग गया फैसला करने में कि प्लेन वहाँ से उड़ के फिर चला गया पुलिस को निर्देश नहीं दिया गया कि रोका जाए हाँ पुलिस को या जैसे भी रोकने का उपाय हो होता अब मैं एक मिनट के लिए आपके ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मान लीजिए हम लोग रोकते उस प्लेन को रोकने का तरीका क्या होता कि प्लेन के सामने अवरोधक हम लोग खड़े कर देते जो वहाँ से जो आतंकवादी थे वो देखते कि प्लेन को रोकने का बंदोबस्त हो रहा है तो वो कुछ भी कर सकते थे प्लेन को उड़ा सकते थे सारे हॉस्टेजे जो उसमें थे वो उनको मौत के घाट घाट उतार सकते थे और आज हम लोग आप और हम बैठ के इस बात की चिंता नहीं करते होते कि फ़ैसला जो उस समय हुआ वो सही था कि गलत था ये हम लोग चिंता करते होते कि इतने लोगों की जानें चली गई तो एक पॉलिटिकल डिसीज़न था शुरू से कि जानों को बचाओ भारतीय जो उसमें क़ैद हैं उस प्लेन में उनकी जान को बचाओ और मैं आज हमारी तरफ से एम जे अकबर साहब ने भाजपा की तरफ से ये बात कही है मैं उसको दोहराऊंगा कि आज कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते लेकिन कोई भी जो हमारी आम, हमारे फैसले से सहमत नहीं थी आज भी कह दे कि भाई वो जितने लोग थे उन लोगों को हम लोगों को कुर्बानी उनकी दे देनी चाहिए थी वो मौत के घाट उतारे जाते कोई बात नहीं थी लेकिन सरकार का फैसला सोच समझकर कर ये हुआ कि हम लोग जाने बचाएं और जान बचाने के लिए ये प्लेन का रुकना संभव नहीं था चाहे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप कितनी भी उसके ऊपर बातचीत कर लेती और कंधार जाने के बाद भी ये होता कि उसको हम लोग तो गुफा आप नहीं मानते कि मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि गुफा कुछ कुछ भी हुआ है और आ, मुझे लगता है कि वहाँ पर लोगों की जाने बचाने का जो फ़ैसला था वो बिल्कुल उस परिस्थिति में सही फैसला था और जसवंत सिंह जो कंधार गए वह भी सही फ़ैसला था लेकिन सवाल ये उठा कि जसवंत सिंह जब गए तो पैसे भी लेके गए थे कुछ पैसे भी दिए गए थे तो आप ये आज लोगों को बताएंगे कि उसमें पै, कुछ पैसे बात, ये बात कहीं भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के किसी मीटिंग में नहीं डिस्कस हुआ कि उनको वो पैसे मांग रहे और पैसे देने के लिए जसवंत सिंह को वहाँ जाना है जसवंत सिंह वहाँ मुख्य रूप से इसलिए गए कि वहाँ अगर केवल पदाधिकारी जाते और कोई महत्वपूर्ण फैसला करने का की नौबत आती है तो कौन फैसला करता वहाँ पर कंधार में बैठा बैठा कौन फैसला करता अभी इस बात को हम नज़रअंदाज कर देते हैं जसवंत सिंह क्यों गए क्यों गए यह बार बार बात उठाई जाती है अगर मान लीजिए कि वहाँ जसवंत सिंह जैसे व्यक्ति नहीं गए होते और नहीं सब कुछ सफलता के साथ अंजाम तक पहुंचाया जाता तो ये शिकायत होती कि कोई मंत्री क्यों नहीं गया कोई दूसरा ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा था आतंकियों को छोड़ छोड़ने के अलावा जाने बचाने के लिए जान बचाने के लिए उनकी उस शर्त को मानना ज़रूरी था कम से कम आतंकवादियों को जो उसमें छोड़ा गया ये सारा कुछ एक मुश्किल की घड़ी में लिया हुआ फैसला है आज हम आराम से बैठ के आपके साथ बात कर रहे हैं पंद्रह साल के बाद और आराम के साथ हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे करना चाहिए था वैसे करना चाहिए था मतलब हम बहुत हमको अकल आ गई पंद्रह साल के बाद और हम उन घटनाओं पर जजमेंट में बैठ सकते हैं दुल्लत जो रॉ चीफ थे उस वक्त उन्होंने उन, उन्होंने क्यों सवाल उठाया नहीं उन्होंने सवाल उठाया लेकिन आप देखिए उसके बाद उनका बिल्कुल बयान आया है कि कोई गुफअप नहीं हुआ किसी ने नहीं कहा जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप था कि तुम ऐसा करो वैसा करो उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा इस बात की की है कि जान बचाना जो हमारा उद्देश्य था उसमें हमें सफलता मिली इसमें और भी कॉम्प्रोमाइजेस किए गए फारूक अब्दुल्ला ने बताते हैं कि सैयद सलाउद्दीन के बेटे को मेडिकल सीट दिलवाई तो आपको लगता है कि क्यों इतने कॉम्प्रोमाइजेस किए गए और फारूक अब्दुल्ला का क्या ये स्टैंड ठीक था नहीं हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसके तथ्य हम नहीं जानते हैं वो तथ्य हम नहीं जानते हैं हम कंधार के बारे में जानते हैं कंधार के बारे में बात करेंगे अडवाणी जी विरोध में थे इस डिसीजन के नहीं ऐसा कुछ नहीं था और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एक राय थी उसमें थी कि काहे का मतभेद मतलब अडवाणी जी ने की एक अलग राय थी बाकियों की एक राय थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था ये एक आप लोग उसको मीडिया में चलाते रहते हैं ऐसी कोई बात नहीं थी एक मत से राय ली गई कि हम लोग हॉस्टेजेस की जान बचाएं यशवंत जी दौलत ने एक और बात कही है कि गुजरात दंगे हुए तो बहुत बड़ी गलती थी आप मानते हैं इस बात को लेकर नहीं उनकी जो अंतिम सरकारी मीटिंग हुई ऑफिशियल मीटिंग हुई वाजपेयी जी के साथ उसके बारे में उनका कहना है कि वाजपेयी जी ने शायद ये बात कही मैं तो वहाँ था नहीं इसलिए कही नहीं कही उस पर कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम सब लोग जिन्होंने संवेदनशील पदों पर काम किया है हमारे अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं और राज को राज ही रखने देना रहने देना चाहिए अगर हम लोग उसको उसका खुलासा करने लगें तो फिर सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा अब ये दौलत साहब ने किस परिस्थिति में उचित समझाए इस बात को कहना अगर वाजपेयी जी ने ऐसा कहा भी था ये उनका उनके विवेक के ऊपर है लेकिन इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए इसलिए नहीं संभव है क्योंकि मैं खुद नहीं था उसमें वाजपेयी तो ओपनली कह भी चुके हैं तो कह चुके हैं तो वो आप जानते ही हैं उस पर फिर कमाने की क्या जरूरत है कांग्रेस ने कहा है कि माफ़ी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को जो दौलत ने तमाम चीज़ें आज बोले हैं अगर माफ़ी मांगने की प्रक्रिया इस मुल्क में शुरू हो इस तरह के बयानों पर या पुस्तकों पर तो पता नहीं कांग्रेस की तो बाकी सारी जिंदगी जो है वो माफ़ी मांगते मांगते ही बीतेगी कांग्रेस के शामिल थे उस दौरान जब ये फैसला लिया गया था कांग्रेस कंसल्ट लोगों से लगातार बातचीत होती रहती थी और बिना उसके विस्तार में गए मैं इतना ही कहूँगा कि सारे लोग सारी बातों को सुनने के बाद एक ही बात कहते थे सरकार जो उचित फैसला लेना चाहती है वो फैसला ले कौन सारे लोग सारे सारे राजनीतिक दलों के लोग आगरा समिट में भी ये हुआ कि फेल जो फेल हुई सक्सेस नहीं हो पाई आगरा समिट उसके लिए पाकिस्तान की ओर से भी लाल कृष्ण अडवाणी जो प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे उनको जिम्मेवार ठहराया गया था देखिए यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि मैं आगरे में था मैं क्यों था आगरे में वाजपेयी जी के लिए ये बिल्कुल संभव था कि वो मुशर्रफ से बात करने जाते आगरा स्वयं जाते किसी को साथ नहीं ले जाते या बहुत करते तो वो अपने विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी को साथ ले जाते वाजपेयी जी किसको किसको साथ ले गए वो ले गए आडवाणी जी को साथ वो ले गए मोरसोली मारन को साथ वो ले गए हमको साथ जसवंत सिंह जी तो थे ही तो एक तरह से जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़कर पूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी प्लस मोरसोली मारन इतने लोग आगरे में थे क्यों थे ये सवाल कभी आप लोगों ने पूछा कि वाजपेयी जी इन सब लोगों को लेके क्यों गए इसलिए लेके गए क्योंकि आपस में तुरंत बातचीत होगी तुरंत फैसले कुछ करने हैं तो वो तुरंत वहाँ फैसले हो सकते हैं इसलिए हम सबको उन्होंने कहा कि आगरे आओ हम सब आ गए उसी होटल में ठहरे और ये तय हुआ कि मुशर्रफ और वाजपेयी जी की वन टू वन मुलाकात होगी बातचीत होगी फिर दोनों की बातचीत शुरू हुई जब जब बातचीत होती थी मुशर्रफ़ से तो वाजपेयी जी आके हम लोग बताते थे क्या बातचीत हुई फिर आगे की रणनीति उसके बाद तय होती थी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मुशर्रफ जो थे वो बनने को तो प्रधान राष्ट्रपति बन गए थे पाकिस्तान के लेकिन वो बिहेव कर रहे थे कमांडो के जैसे और उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया कि वो एकदम कमांडो हैं जो चाहे वो जो बाधा उनके सामने आएगी उसको पार करते हुए मंजिल तक पहुंच जाएंगे सब कुछ फतेह कर लेंगे जब वाजपेयी जैसी उनकी मुलाकात हुई तब उनको लगा कि नहीं चीज़ें इतनी आसान नहीं है वो पहली पहले रुकावट को ही नहीं पार कर पाए और अटल जी सचमुच अटल थे देश के हितों की सुरक्षा के लिए तो बातचीत होती रही दोनों में कहीं बातचीत में आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा था फिर तब ये तय हुआ कि दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो भी बातचीत में शामिल हो जाए तो यहाँ से जसवंत सिंह जी उधर से सत्तार साहब दोनों तय दोनों जो हैं वो शामिल हो गए बातचीत में फिर कुछ बातचीत का नतीजा जब हुआ कि निकल सकता है तो ये हुआ कि दोनों विदेश मंत्री मिल और एक ड्राफ्ट तैयार करें दोनों विदेश मंत्रियों ने मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया पाकिस्तान क्या प्रचार करता है तो पाकिस्तान प्रचार करता है कि ड्राफ्ट फाइनल हो गया था कोई ड्राफ्ट फाइनल नहीं हुआ था जसवंत सिंह जी और सत्तार में बातचीत हुई उस ड्राफ्ट को लेकर जसवंत सिंह जी वापस आए वाजपेयी जी के पास हम लोग सब वहाँ पर मौजूद थे हम सब लोगों ने ड्राफ्ट देखा और उसके बाद हम सब लोगों ने उसमें जो खामियाँ थी उसकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया कि इसमें यह बात नहीं है यह बात नहीं ये बात होनी चाहिए अडवाणी जी, जी को बदनाम किया मुशर्रफ ने अडवाणी जी को बदनाम करने का उन्होंने अपने ठिका उठा लिया कि सरकार में मतभेद पैदा कर देंगे अडवाणी पर सारा दोष डाल देंगे हम लोग सब इकट्ठे थे, थे उसमें सब लोगों की सहमति जिसमें वाजपेयी जी की भी सहमति थी वो ये थी कि इस ड्राफ्ट पर भारत हस्ताक्षर नहीं कर सकता है और इसलिए जसवंत सिंह जी को इस बात के लिए अधिकृत किया गया कि वो फिर से बातचीत करें लेकिन हम जो सुझाव दे रहे थे जो अमेंडमेंट्स दे रहे थे वो पाकिस्तान को मंजूर नहीं थे इसलिए बातचीत सफल नहीं हुई पाकिस्तान क्या मतलब आप कश्मीर डिस्प्यूटेड थे कि उसमें सब नहीं उसमें जैसे एक बात थी कि शिमला का जिक्र होना चाहिए भारत पाकिस्तान के रिश्तों में शिमला एग्रीमेंट सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है तो इतिहास उस दिन नहीं शुरू हुआ जिस दिन मुशर्रफ़ राष्ट्रपति बने पाकिस्तान के और आगरे आए बातचीत करने के लिए भारत पाकिस्तान का इतिहास बहुत पुराना रहा है उन्नीस से तो वो पाकिस्तान को मंजूर नहीं था शिमला का जिक्र उस स्टेटमेंट में होने का ये हम लोगों को नहीं मंजूर था क्योंकि शिमला में बहुत सारी बातें सेटल हो गई थी जैसे लाहौर में बहुत सारी बातें सेटल हो गई थी तो उसको रीओपन करना ये करना मुशर्रफ को मंजूर नहीं था और इसलिए वो बात वहाँ पर नहीं सफल हुई जैसा जी एक सवाल हो रहा है आज ये अगर परिस्थितियाँ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि जवाब करारा जवाब मिलेगा दुश्मन को तो आज अगर ऐसी स्थिति होती है तो आपको लगता है कि कांधार जैसी स्थिति अगर हो तो किस ढंग से निपटे सरकार देखिए उसके बाद से हम लोगों ने एक नीति बनाई भारत ने एक राष्ट्रीय नीति बनाई है कि इस तरह के मामलों से कैसे निपटेंगे और उस नीति के आधार पर काम होगा उस नीति में ये है कि कोई भी हमें बलिदान देना पड़े हम बलिदान देंगे लेकिन आतंकवादियों की बात नहीं मानेंगे धन्यवाद हमसे बात करने के लिए कैमरामैन अनिल विश्वास के साथ अशोक सिंघल दिल्ली आज तक